कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पार्टी में लगातार बदलाव करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं मानसून सत्र से पहले सोनिया गांधी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कई मुद्दों पर रणनीति बनाना चाहती हैं ताकि मोदी सरकार को घेरा जाए और जनता को अपनी तरफ खींचा जाए। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों का सहारा लिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इस वक्त विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े हुए हैं और लगातार अपने चुनावी आइडियाज़ को शेयर भी कर रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की बात करें तो इसमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, टीएमसी जैसी पार्टियां शामिल हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई की वजह से जनता का हाल बेहाल है और इसी मुद्दे को विपक्ष संसद में उठाकर मोदी सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रही है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस इन सब में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है ताकि मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकें। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।